इनसो नेता प्रदीप देशवाल को मारी गोली। लॉ डिपार्टमेंट की पार्किंग में 40 के करीब लोगों ने किया हमला, गाड़ी को तोड़ा, मारी गोली। प्रदीप देशवाल के हाथ में लगी गोली, सिर में हथियारों ने मारी गहरी चोट। हथियारों से लैस युवकों ने प्रदीप पर किया था ताबड़तोड़ हमला। प्रदीप देशवाल ट्रामा सेंटर में भर्ती, पुलिस पहुंची मौके पर। नंगा नाच प्रशासन की नाक के नीचे यूनिवर्सिटी जैसे कैंपस में, जिसका ये गेट बताते हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। रिनाउंड आदमी के साथ इस तरह का कानून व्यवस्था इस प्रदेश में आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, NSUI के कार्यकर्ताओं जा रही है, NSUI के लोगों ने आइडेंटिफाई है तो इन्होंने किया। और एक जैसे कि आज आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आए हो, JJP और जींद उपचुनाव भी है, उसको लेकर क्या है? जी जी, उसी को लेकर के ही कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा मीटिंग करने आए हैं। जिसकी जहाँ कोई रिश्तेदारी है, जानकारी है, वहाँ जाकर के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो सदा गुंडागर्दी की है। एक अजय सिंह की पार्टी नई नई बनी है और पहले ही परीक्षा का समय आ गया, क्योंकि चुनाव है, जिंद उपचुनाव, और ये कह रहे हैं चाहे वो BJP हो चाहे कांग्रेस होगी, ये सत्ता का सेमीफाइनल है। निश्चित तौर पे सत्ता का सेमीफाइनल है। और हमने तो पहले स्टेप पे 9 तारीख को पांडु भंडारा के ऐतिहासिक मैदान पर रैली करके ये एहसास करा दिया कि ये सेमीफाइनल भी हम जीतेंगे और फाइनल भी। रोहतक से विकास ओयान की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस TV।